हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब वीडियो। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 4.3। सो लेट्स रीड द स्टेटमेंट। द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर्स मोर देन द शॉर्टर साइड। एक रेक्टेंगुलर फील्ड है हमारे पास, उसका जो डायगोनल है वो 60 मीटर्स मोर ज्यादा है किससे, देन द शॉर्टर साइड, उसी रेक्टेंगुलर फील्ड की शॉर्टर साइड से। ओके, इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर्स मोर देन द शॉर्टर साइड, अगर उसी फील्ड की शॉर्टर साइड से 30 मीटर मोर है क्या उसकी लॉन्गर साइड, फाइंड द साइड ऑफ द फील्ड, उस फील्ड की साइड्स को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम इस स्टेटमेंट को डायग्रामेटिकली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स सी, हमारे पास एक रेक्टेंगुलर फील्ड है। वी नो दैट ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल एंड ऑल द फोर एंगल्स आर ऑफ राइट एंगल, राइट 90 डिग्री के होते हैं ना, जो चारों के चारों एंगल्स। तो ये हमने एक रेक्टेंगुलर फील्ड ड्रॉ करी है। अब इसमें उन्होंने हमें कौन सी कंडीशंस गिवन है हमारे पास, देखो लेट कर लो कि शॉर्टर साइड हमारे पास एक्स है, तो इसका डायगोनल क्या होता है, जॉइन ऑफ ऑपोजिट कॉर्नर्स, ऑपोजिट कॉर्नर्स को जॉइन कर दो वो उसका डायगोनल बन जाता है, राइट। अगर हमने स्मॉलर साइड को, शॉर्टर साइड को एक्स लेट किया है, तो उन्होंने हमें बोला है 60 डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर्स मोर देन शॉर्टर साइड, शॉर्टर साइड से 60 मीटर मोर है इसका डायगोनल, एंड लॉन्गर साइड इज 30 मीटर्स मोर देन द शॉर्टर साइड, लॉन्गर साइड शॉर्टर साइड से 30 मीटर्स मोर है। तो यही है हमारे पास गिवन कंडीशन। अब हम इसे थ्योरेटिकली लिख लेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट द शॉर्टर साइड, शॉर्टर साइड क्या हमारे पास, हमने लेट करी है एक्स, लॉन्गर साइड क्या हो जाएगी, फ्रॉम द स्टेटमेंट हमारे पास लॉन्गर साइड एक्स प्लस 30 मीटर, राइट मीटर्स, ओके। डायगोनल गिवन है, डायगोनल कितना बन रहा है, या एक्स प्लस 60 मीटर्स, ओके। ये तो सारा हमने लिख लिया जो भी हमारे पास गिवन था। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, इनकी साइड्स, इफ वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स देन हमारे पास आ जाएंगी, साइड्स की मेजरमेंट्स आ जाएंगी, हमें क्या चाहिए, एक्स की वैल्यू चाहिए। तो उसे हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इसे केयरफुली देखो, सी इट केयरफुली। इफ आई गिव नेम टू दिस रेक्टेंगल ए बी सी डी, देन इस ट्राइंगल को देखो, ए डी सी, इस ट्राइंगल को देखो, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में हम क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम, लेट्स सी हाउ। इन राइट एंगल ट्राइंगल ए डी सी बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम तो आपको मालूम है ना क्या है, आपके सिक्स चैप्टर में भी है और जो सिक्स क्लास से स्टार्ट हो जाती है, राइट। तो ये तो आपको मालूम होनी चाहिए कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है और राइट एंगल में ये कैसे अप्लाई होती है, क्या होती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहां पर हमारे पास हाइपोटेन्यूज क्या है, राइट एंगल, राइट एंगल वर्टेक्स के ऑपोजिट वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेन्यूज, ओके। तो ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है, एक्स प्लस 60 का होल स्क्वायर इक्वल टू बेस एंड परपेंडिकुलर, बेसिकली ये हम बेस लेते हैं, ये जो एल्टीट्यूड होता है इसे परपेंडिकुलर लेते हैं, राइट। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एक्स प्लस 30
स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास। अब इसे क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। हाउ, यहां पर देखो x प्लस 60 का होल स्क्वायर, x प्लस 30 का होल स्क्वायर, कौन सी आइडेंटिटी बन रही है, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर यही है। कैसे एक्सपेंड करते हैं इसे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, यही फॉर्मूला है। तो यहां पर एक्सपेंड कर दो इसे, a हमारे पास क्या है x का स्क्वायर प्लस b हमारे पास 60 का स्क्वायर प्लस टू इंटू ए एक्स बी 60। सिमिलरली हेयर एक्स स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर प्लस टू इंटू एक्स इंटू 30, ये जो लास्ट वाला प्लस एक्स स्क्वायर है ये एज इट इज लिखा जाएगा। अब इसे सॉल्व कर दूं, एक्स स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर 3600 प्लस 120 एक्स आ जाएगा इसको मल्टीप्लाई करके, एक्स स्क्वायर प्लस 900 प्लस ये क्या आ गया 60 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, इतना आ गया हमारे पास। अब जो राइट हैंड साइड पे जो भी टर्म्स है इसे उठाकर लेफ्ट हैंड साइड पे ले आओ, तो क्या होगा, सारी के साइंस चेंज हो जाएंगे। ये तो यहां पर एज इट इज आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3600 प्लस 120 एक्स। जब इसे हम इस साइड शिफ्ट करेंगे तो इसके सारे साइंस चेंज हो जाएंगे। शिफ्ट करने का मतलब यही है कि इक्वल्स टू यहां पर नहीं लगाना, ये सारा उठाकर इस साइड ले आओ। माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस का 900, माइनस का 60x एंड माइनस का एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। अब इक्वल्स टू यहां पर प्लेस होगा, राइट। अब इसे और सॉल्व कर दो, ये देखो माइनस का एक्स स्क्वायर है प्लस का एक्स स्क्वायर है, ये कट जाएगा आपस में, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर वाली टर्म सबसे पहले देखो कहां है, यही बचा ना, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, ओके। सेकेंड हम कौन सी टर्म लिखते हैं, लीनियर टर्म, ये वाली है ना लीनियर टर्म, 120x, और x किसके साथ है, यहां पर है माइनस 60x, एक प्लस का है एक माइनस का है, तो क्या होगा, माइनस होगी, बड़े नंबर के आगे प्लस है, बड़ा नंबर प्लस का है तो आंसर में प्लस आ जाएगा। 120x माइनस 60x कितना बचा हमारे पास, 60x ओनली। एंड अब कांस्टेंट वाली टर्म को देख लो, ये है हमारे पास प्लस का 3600 है माइनस का 900 है, प्लस माइनस है तो माइनस होगा, साइन वो लगता है जो बड़े नंबर के आगे है, प्लस है तो यहाँ पे प्लस लगेगा। 3600 माइनस 900 कितना हो जाएगा 2700 इक्वल्स टू जीरो। तो अब हमारे पास ये एक इक्वेशन आ रही है विच इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। एक्स की हाईएस्ट पावर 2 है ना, तो ऑब्वियसली ये कौन सी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो अब हम इसे और सिंपल कर लें, हमें मालूम है हम एक्स स्क्वायर के आगे नेगेटिव नहीं रखते, तो नेगेटिव को कॉमन लो और उसे वैनिश कर दो जीरो के साथ। कैसे करते हैं हम, अगर मैं इसमें से माइनस को बाहर ले लूं तो एक माइनस बाहर आ गया, माइनस का 1 ही बाहर आया ना, सबके साथ 1 तो मल्टीप्लाई में होता ही है, तो यहां पर प्लस का एक्स स्क्वायर आ गया, यहां से बाहर आया तो ये माइनस का 60x हो गया, ये भी प्लस का है तो ये नेगेटिव हो गया। माइनस कॉमन लेने का मतलब होता है कि ब्रैकेट के अंदर अब जो भी टर्म्स होगी सबके साइन चेंज हो जाएंगे, तो यहां पर भी हमने ऐसा ही किया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये माइनस 1 मल्टीप्लाई में है, यहां से हटा के दूसरी साइड डिवाइड का हो जाएगा। अब जीरो के नीचे कुछ भी लिख दो वो जीरो ही होता है, सो दैट्स व्हाई ये माइनस वैनिश हो गया। तो अब हमारे पास कौन सी इक्वेशन बची, ये मैंने सिर्फ एक्सप्लेन किया है, इतना ज्यादा इतने ज्यादा स्टेप्स हमें लिखने नहीं होते, दैट्स व्हाई मैंने यहां पर भी इरेज कर दिए, बस एक्सप्लेन कर किया है मैंने, ठीक है। हमारे पास क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस 2700 इक्वल्स टू जीरो, विच इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एंड अब हम क्या करेंगे, इसके रूट्स फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। वी नो दैट वी प्रेफर ऑलवेज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बिकॉज क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में डिस्क्रिमिनेट आता है, और डिस्क्रिमिनेट से हमें किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स की नेचर पहले ही पता चल जाती है, ठीक है। दैट्स व्हाई वी प्रेफर ऑलवेज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। सो लेट्स प्रोसीड फर्दर। अब यहां पे ओके, यहां पे कर लेते हैं हम,
इसे हम सबसे पहले कंपेयर करते हैं किसके साथ, कंपेयर इट विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, इसके साथ कंपेयर करते हैं ना हम जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब करो इसको कंपेयर, कैसे करोगे, एक्स स्क्वायर के साथ कौन लगा है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, जो साथ में लगा होता है उसे कोफिशिएंट बोलते हैं ना, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है ए, तो यहां पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है वन, क्योंकि मल्टीप्लाई में वन हमेशा होता है। ओके, तो ए की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास वन, यहां पर बी की वैल्यू क्या है, ये देखो एक्स का कोफिशिएंट बी, यहां पर एक्स का कोफिशिएंट कितना है माइनस सिक्सटी, एंड यहां पर कांस्टेंट टर्म सी है और यहां पर कांस्टेंट टर्म क्या है -2700। अब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करो, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो बी स्क्वायर यहां क्या है 60, माइनस 60 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू माइनस ऑफ 2700, 60 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 3600 माइनस, और ये देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसे मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ रहा है 108, तो साथ में जो दो जीरोस, आपको सिंपल 4 को 2700 से मल्टीप्लाई करना है। ओके, अब इसे ऐड अप कर दो, ऐड अप करके हमारे पास क्या बन रहा है 14400। ओके, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हमारे पास ये आ गई विच इज ग्रेटर देन जीरो। अब हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करके एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी ओवर टू ए, पुट द वैल्यूज ऑफ बी डी ए हियर। अब यहां करूंगी मैं आगे का, बिकॉज वहां हमारे पास इतनी प्लेस नहीं है। तो एक्स की वैल्यू क्या आ रही है माइनस ऑफ बी, तो बी की वैल्यू कितनी है -60, ये देखो -60 है ना, तो माइनस ऑफ -60 प्लस माइनस अंडर रूट, अंडर रूट में क्या आएगा वो देखो, डी की वैल्यू कितनी है 14400 ओवर 2 इंटू ए, ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1, यस 1 है। तो अब देखो x इक्वल्स टू ये माइनस माइनस प्लस का 60 हो जाएगा, प्लस माइनस ये अंडर रूट 144 हमारे पास है 14400 है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखो इसे केयरफुली देखो 144, आप इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करके भी सॉल्व कर सकते हो, अगर डबल टेबल आते हैं तो और भी बेटर है। अब देखो 144 इसे मैं लिख सकती हूँ 144 इंटू 100, 144 को कैसे लिख सकते हैं 12 इंटू 12, एंड 100 को कैसे लिख सकते हैं 10 इंटू 10। अब ये अंडर स्क्वायर रूट है ना सारा, 12 12 में से एक 12 बाहर आ जाएगा, 10 10 में से एक 10 बाहर आ जाएगा, तो कितना 12 10 से कितना आ जाएगा हमारे पास 120 ओवर 2। तो अब x की कौन सी दो वैल्यूज आ रही है, एक आ रही है 60 प्लस 120 ओवर 2 और दूसरी आ रही है 60 माइनस 120 ओवर 2। तो यहां पर देखो 60 प्लस 120 कितना हो गया हमारे पास 180 बाय 2, एंड यहां पर माइनस होगा, माइनस बड़े के आगे है तो ऑब्वियसली माइनस में आंसर आएगा, तो यहां से कितना आ रहा है 60 ओवर 2, यहां पर कैंसिल होकर 90 आ रहा है और यहां पर आ रहा है हमारे पास 30। तो x की दो वैल्यूज है, एक आ रही है पॉजिटिव 90 और एक आ रही है माइनस का 30। अब यहां पे देखो ये x है क्या, x शॉर्टर साइड, एक साइड की लेंथ है ना ये, तो जो लेंथ होती है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती, ठीक है, पॉजिटिव होगी लेंथ, नेगेटिव नहीं ले सकते हम कभी भी लेंथ को, सो दैट्स व्हाई द नेगेटिव वैल्यू विल निग्लेक्टेड, ये निग्लेक्ट हो जाएगी। तो यहां पर क्या बची ऑन दी पॉजिटिव वैल्यू, x की हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, मतलब x को क्या लेंगे हम 90 मीटर। तो आप एक लास्ट दोबारा से लिखोगे कि शॉर्टर साइड इक्वल्स टू x मीटर इक्वल्स टू 90 मीटर, एंड लॉन्गर साइड कितनी आ जाएगी,
यहां पर x प्लस 30 है तो 90 प्लस 30 हो जाएगा। 90 प्लस 30 कितना होता है? 90 प्लस 30 इक्वल्स टू 120 मीटर। अब जहां पर प्लेस नहीं है तो दैट्स वाई मैंने ऐसे लिख दिया, आपको ऐसे नहीं लिखना, बिल्कुल क्लियर, नीट एंड क्लियर लिखना है। तो यहां पर आ गया 90, x की वैल्यू 90 प्लस 30 इक्वल्स टू 120 मीटर। इसकी शॉर्टर साइड है 90 मीटर एंड लॉन्गर साइड है 120 मीटर। सो यहां पर हमारा जो क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इफ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज राइट इन द कॉमेंट सेक्शन एंड लेट मी नो What doubts you have. And मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।